और जो चारिश्री पाना शुवंशी का दौरा किया है, क्या मकसद है इसका? मकसद ये है कि जब से 370 5 अगस्त 2019 में खत्म किया गया है, उसके बाद यहाँ के लोगों पे जुल्म के पहाड़ टूट पड़े हैं। यहाँ की आवाम को खौफजदा किया जाता है, डराया जाता है, इनको घरों से बेघर करने किया जाता है, इनको जमीनों से बेदखल किया जाता है। वो जमीनें जो इनके बाप दादाओं के पास इतने सालों से पड़ी हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में ये लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का जो ध्यान है, असली मसला जो है, जो 70 साल से मसला लटका हुआ है, उससे ध्यान हटा के ये यहाँ लोगों पे इतना जुल्म, इतना तशद्दुद करना चाहते हैं कि लोग अपना जीना भी भूल जाएं। तो मुझे लगता है कि सरकार को, जो खासकर गवर्नर साहब है, उनको नोटिस लेना चाहिए। ये जो लोग हैं यहाँ, ये यहाँ के बस्कींदार है, यहाँ रहते हैं। अभी ये देखा आपने, ये जो हमारी बुजुर्ग लेडी है, 108 साल चलेगा, इसके बाप दादा यहाँ रहते थे, इसके बाप दादा यहाँ रहते थे। तो यही नया कश्मीर बनाना चाहते हैं क्या ये मरकजी सरकार वाले? यही नया कश्मीर बनाना चाहते हैं? तो ये देखिए, इसको भी नोटिस, इसको भी आप, इसके बाप दादा यहाँ रह रहे हैं। यहाँ देखिए कितने बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, सबको इस सर्दी में कहते हैं कि भाई आप जमीन छोड़ दो। जब जमीन छोड़ेंगे तो करेंगे क्या? ये आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ किन मुल्कों से हमारे हिंदू भाइयों को लाके बोलते उनको बसाएंगे हम हिंदुस्तान में। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ से घरों से बाहर निकालेंगे? हम तो ये होने नहीं देंगे, किसी भी सूरत ये होने नहीं देंगे। तो तहसीलदार साहब, जिंदाबाद साहब, तहसीलदार साहब, जूस पर अलग तक।